सब कैसे हैं। मैं रश्मि वर्मा और आज हम लेके आए करवा चौथ स्पेशल फेशियल, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस चीज से फेशियल करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा मेरे स्किन पे। ये फेशियल हम लोग करवा चौथ स्पेशल के एक दिन पहले अगर करेंगे तो हमारे स्किन पे काफी अच्छा ग्लो आएगा। तो चलिए हमें अपना फेशियल करना, तो हमने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध जिससे कि हम क्लींजिंग करेंगे। कच्चे दूध से हमें मॉइस्चराइजर मिलता है और फेस साफ होता है, तो इसे हम कॉटन से ही अपना फेस क्लीन करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है एलोवेरा और पिसा चावल, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लिया है, मेरे पास नेस्कैफे की कॉफ़ी है। तो इस सब को हम मिक्स करके स्क्रब करेंगे। एलोवेरा से हमारे जो पिंपल दाग धब्बे होते हैं सब हट जाते हैं, स्किन शाइन करता है। और यहाँ पे मैंने विटामिन ई की गोली लिया है, विटामिन ई की गोलियों से हमें झुर्रियाँ और रूखेपन को हटाता है हमारे। तो हम फेस पैक बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे फेस पैक के लिए बेसन लिया है, 2 चम्मच बेसन। बेसन जो हमारे स्किन के रोए होते हैं उसे हटाने में बहुत ही अच्छा है, तो उसे हम बेसन लेंगे और एक चिटकी हल्दी लेंगे। बेसन हमारे फेस पे जो टैन होता है उसे भी हटाने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, तो हमने आधा टमाटर लिया और तो हम टमाटर को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया और इसमें मैंने डाला है 1-2 चम्मच एलोवेरा जूस और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदा करता है और इसे हम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसे धोएंगे जब, तो हम स्क्रब जैसे किया जाता है उस टाइप से धोएंगे, तो जितने भी हमारे चेहरे पे रोए हैं वो सब हट जाएंगे। तो ये हमारा जो फेस पैक है वो तैयार हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे, तो हमने क्लींजिंग के लिए यहाँ पे कच्चा दूध लिया हुआ है, तो इससे हम क्लींजिंग करेंगे। इसमें हम एक चिटकी नमक भी डाल सकते हैं, पर मेरे स्किन को सूट नहीं करता है, रैशेस हो जाते हैं नमक डालने से, इसलिए हम नमक यूज नहीं करेंगे। अगर आपको सूट करता है तो आप प्लीज इसे नमक, एक चिटकी नमक ही डालिए, पर डालिए, उससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पर मेरे स्किन को सूट नहीं करता इसलिए मैं नहीं डाली हूँ और मैं यूज नहीं करती हूँ। तो आइए हम क्लींजिंग स्टार्ट करते हैं। गले को भी करेंगे ताकि हमारा फेस और गला दोनों अलग अलग ना दिखे, तो इसमें हम अपने गले पे भी यूज करेंगे इसे। क्लींजिंग डन हो गया है और क्लींजिंग हमने कर लिया है। अब देख सकते हैं कि फेस जो है मेरा साफ हो गया। और स्क्रब के लिए लिया था चावल, पिसा चावल और एलोवेरा और कॉफी, तो सबको मैंने मिक्स कर लिया है, तो कुछ इस तरह से हुआ है। तो हम इसका इससे स्क्रब करेंगे। हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे, तो मेरा स्क्रब हो चुका है और काफी अच्छा। तो मेरे आंख में एक्चुअली चावल चला गया इसलिए लाल हो गया है, तो मैं वॉश करके आती हूँ।
तो आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस स्क्रब के बाद कितना अच्छा हो चुका है। वॉश करके आ गया और हमने कहा था कि मेरा आँख लाल हो गया, आप देख सकते हैं कितना लाल हो गया, चावल का दाना चला गया था मेरे आँख में और इसके वजह से मेरा आँख में आँख लाल हो गया है। तो आप जब भी फेशियल करिएगा तो दूर से करें, मैं भी दूर से करती हूँ लेकिन वो अचानक से आँख में चला गया और फिर मैं हटा नहीं सकती, तो मुझे कंटिन्यू स्क्रब करना था तो इसीलिए वो ज़्यादा लाल हो गया है। तो कोई बात नहीं, तो एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा निकाल के रखा हुआ है और ये विटामिन ए की गोली है, तो हम इसको इसमें डाल के मिक्स करके अपने फेस पे मसाज करेंगे। तो हम अभी अब हम मास्क अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया एलोवेरा और विटामिन ए की गोली, तो हम मास्क को अप्लाई करेंगे। हमारा जो फेस मास्क था तो वो मैंने अप्लाई कर लिया है और इसके बाद हम भाप लेंगे। हमें फेशियल के समय भाप लेना बहुत ही जरूरी होता है, तो हम भाप लेंगे। तो आपको यहाँ पे हम फेस पर भाप लेंगे, तो ये पे मेरे पास भाप की मशीन है तो इससे हम भाप लेंगे। तो ये देखिए हमने भाप ले लिया है, काफी अच्छा हुआ है, पूरा फेस रेड रेड हो गया है। तो अब हम फेस पे अप्लाई करेंगे फेस पैक। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक बना के रखा हुआ है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फेस पैक अप्लाई कर लिया है तो हम इसे 15 मिनट के बाद धो लेंगे और धोने के वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं इसे वॉश करने के बाद। ये देखिए मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है और मेरा फेस काफी अच्छा ग्लो कर रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है। तो प्लीज अगर आपको ये मेरी फेशियल करवा चौथ स्पेशल फेशियल अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।